हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा अकादमी में। जैसा कि आपको पता है कि अभी फरवरी माह में रीट मेंस के एग्जाम हुए थे, थर्ड ग्रेड के एग्जाम हुए थे। उस एग्जाम को लेकर जो कट ऑफ के बारे में हमने हमारे विशेषज्ञ की जो टीम है उसने सर्वे किया है, उस सर्वे के मुताबिक जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, यानी कि आप समझ चुके हैं कि हम कट ऑफ के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ यानी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को भी ऑन करें, इससे आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारा ये चैनल जो है, चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो जो है टॉपिक वाइज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर वीडियो जो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ऑन करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो जो है कट ऑफ को लेकर है। कट ऑफ क्या रहेगी, रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बात करते हैं लेवल फर्स्ट की। लेवल फर्स्ट में इस बार क्या कट ऑफ रहेगी 2023 में, जनरल की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी तो 88 से 92 के बीच में इस बार कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83 से 86 के बीच में इस बार आप देख सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 87 से 90 के बीच में, एमबीसी की बात करें तो 82 से 84 के बीच में, एससी की बात करें तो 78 से 81 के बीच में इस बार आप देख सकते हैं। एससी की बात करें तो 67 से 68 के बीच में इस बार कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। यह जो कट ऑफ है ये अनुमानित कट ऑफ है, यानी कि इसके आसपास अगर आपके क्वेश्चंस जो सही हो रहे हैं, ये जो है क्वेश्चंस की बात हो रही है न कि नंबर्स की, यानी कि आप इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो आपके कितने एक्चुअल नंबर है वो आप अपनी स्थिति को देख सकते हैं। तो ये तो थी लेवल फर्स्ट के बारे में। लेवल टू के बारे में बात करते हैं। लेवल टू में हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिंदी में आप देखते हैं कि अगर आपके 111 से 114 के बीच में अगर आपको प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन के रेस में हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 107 से 110 के बीच में आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 110 से 113 के बीच में इस बार आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हैं। एमबीसी की बात करें तो 106 से 104 के बीच में, एससी की बात करें तो 102 से 105 के बीच में, एसटी की बात करें तो 100 से 103 के बीच में तो आपके क्वेश्चन इस बार सही हो रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी में जैसा कि आपको पता है कि अभी आंसर की जैसे जारी हुई है उसमें बहुत सारे जो प्रश्न है वो विवादित है, उन प्रश्नों को अगर डिलीट होने के बाद की ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। इसके पहले जो कट ऑफ थी उसमें कुछ परिवर्तन था, उस परिवर्तन के बाद में हमारी टीम ने सर्वे किया, वापस जो आंसर की आने के बाद में जो हमें लगता है वो हमारे हिसाब से हमने ये बताया है आपको कि जो कट ऑफ है वो इस तरीके से रह सकती है। अब जो कट ऑफ है उससे एक दो नंबर या तो ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, लेकिन संभावित संभावना जो है वो यहां तक बनती है। ये तो था हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। इसी तरह इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आप देखते हैं अगर 88 से 92 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही होते हैं तो आप हिंदी से जनरल से हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83 से 86 के बीच में, और ओबीसी की बात करें 87 से 90 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। एमबीसी की बात करें तो 82 से 84 के बीच में, इसी तरह एससी की बात करें 78 से 81 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही होते हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में हैं। एससी की बात करें तो 67 से 68 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। ये प्रश्नों की संख्या है, इनको आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे। साइंस मैथ्स की बात करें, साइंस मैथ्स में 92 से 95 के बीच में जनरल में अगर आप सही हो रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। ये नॉन टीएसपी एरिया वाली कट ऑफ है, टीएसपी की हम अलग से आपको बताएंगे कितनी क्या कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 88 से 91 के बीच में, ओबीसी की बात करें तो 91 से 94 के बीच में इस बार कट ऑफ रहने की संभावना है। एमबीसी की बात करें तो 87 से 86 के बीच में इस बार कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। एससी की बात करें तो 79 से 82 के बीच में इस बार कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। एससी की बात करें तो 95 से 99 के बीच में एससी की साइंस मैथ्स में कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। एससी और इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट है इसमें क्या हर बार सीटें खाली रह जाती है, अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है तो आप इसमें जो कट ऑफ है वो 2-3 नंबर और नीचे जाने की संभावना आप मान सकते हैं, 2-3 नंबर इससे नीचे चली जाएंगी। अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है तब ये स्थिति बनती है। एसएसटी की बात करते हैं, उसमें जनरल में आप देखते हैं 105 से 110 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप एसएसटी में एलिजिबल हैं।
WS की बात करें 100 से 102 के बीच में, OBC की बात करें तो 98 से 99 के बीच में, SC की बात करें तो 100 से 104 के बीच में, अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप इसमें अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। ST की बात करें तो 99 से 102 के 102 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही होते हैं तो आप SST में एलिजिबल है सेकंड इसमें थर्ड ग्रेड के लिए। इसी तरह लास्ट जो सब्जेक्ट बचता है वो संस्कृत बचता है। संस्कृत में आप देखते हैं जनरल में जो कट ऑफ है, संस्कृत का जो पेपर था वो भी बहुत इजी था हिंदी की जैसे, तो इसी में आप देखते हैं जनरल की, जनरल में आप 110 से 114 के बीच में अगर आपके प्रश्न इस बार सही हो रहे हैं तो आप श्योर मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। AWS की बात करें तो 105 से 107 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। उसी तरह MBC की बात करें 100 से 103 के बीच में रहने की संभावना, OBC की बात करें तो 107 से 110 के बीच में कट ऑफ रहेगी, SC की बात करें तो 98 से 100 के बीच में इस बार रहने की पूरी पूरी संभावना है, SC की बात करें तो 95 से 97 के बीच में संस्कृत में कट ऑफ इस बार रहने की संभावना है। अगर आपको इसमें लगता है कि आपने अगर ढंग से नहीं सुना तो आप वीडियो को फिर से स्किप करके देख सकते हैं। अगर कोई भी आपका सुझाव है, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो भी आप हमें बताएं, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी लेवल से हैं, अगर आप किसी भी गलती पर तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर आपको हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वीडियोज और सभी प्रकार के जो स्टडी मटेरियल है 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास के सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स वाइज आपको हमेशा इस चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपने आज इस वीडियो में जो कट ऑफ के बारे में हमने चर्चा की, मैं आशा करता हूं कि अनुमानित जो कट ऑफ है आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा और इसके बाद आप कुछ अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद साथियों।